किसान बिलों को लेकर जहां एक ओर पूरे देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने ये मन बना लिया है कि इन विधेयकों को राज्यसभा से भी पास करवाना है। तो ऐसे में सरकार ने जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश प्रारंभ कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए। हम आपको समझाएंगे सरकार इस बिल को राज्यसभा में पास करवाने के लिए क्या कुछ सोच रही। केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े हुए तीनों विधेयकों को राज्यसभा में पास कराने के लिए एक नई रणनीति बनाई है। इसके तहत उन्होंने विपक्षी पार्टियों को अपने पाले में लाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से शिवसेना, एनसीपी से जुड़े नेताओं से भी संपर्क साधा गया है और बिल से जुड़ी हुई उनकी तमाम शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी की है। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में फिलहाल भाजपा के पास बहुमत नहीं है। फिलहाल 2 स्थान खाली हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 122 है। सियासी गणित कुछ इस प्रकार है कि बीजेपी के अपने 86 सांसद हैं, एनडीए के घटक दलों व अन्य छोटी पार्टियां मिलाकर उसके पास कुल 105 संख्या है। इसमें अकाली दल के 3 सांसद शामिल नहीं है क्योंकि हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो सरकार के इस कदम का विरोध करती है और ये सख्त विरोध है। वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने इन बिलों का विरोध करने का फैसला किया है। बहुमत के लिए कम पड़े 17 सांसदों के समर्थन के लिए हमेशा की तरह भाजपा के नजरे जो है बीजेडी, एआईडीएमके, टीआरएस, वाईएसआरसी और टीडीपी पर है। संसद के ऊपरी सदन में बीजू जनता दल के 9, एआईडीएमके के 9, टीआरएस के 7 और वाईएसआर कांग्रेस के 6 और टीडीपी का 1 सांसद है। सरकार को भरोसा है कि इन विधेयकों के समर्थन में कम से कम 135 से ज़्यादा वोट पड़ेंगे। हालांकि अभी परसों ही सरकार ने एक विधेयक राज्यसभा में जो है बहुमत न होने के कारण पास भी करवा लिया, तो उनको इसको लेकर कहीं विशेष डर नहीं है। राज्यसभा में 40 सांसदों वाली कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो बिलों के विरोध में है। यूपीए के अन्य दलों के सांसदों और टीएमसी को मिलाकर संख्या बल 25 के आसपास जाता है। इसमें एनसीपी के 4, शिवसेना के 3 सांसद हैं जिनसे सरकार ने संपर्क साधा है। उधर एनडीए के घटक दल, शिरोमणि अकाली दल के 3 राज्यसभा सांसद हैं बिल के विरोध में, वो अपना वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के 8 सदस्य हैं, बीएसपी के 4 सांसद भी बिल के विरोध में वोट करेंगे, यानी करीब 100 सांसद जो है वो विरोध में वोट करेंगे। राज्यसभा के 10 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस के आदि सभी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। अलग अलग पार्टियों के 15 सांसद इस सत्र में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे में सरकार को तीनों बिलों को पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की जा रही। सरकार संख्या बल जुटाने में नाकाम रहा तो विपक्ष की ये मांग भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे भी बने रहिए हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए, और संसद में क्या कुछ चल रहा है ये कुछ भी हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। Oh, oh, oh.